हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपको बताने वाला हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, नई रिपोर्ट और कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें मैं आज आपको तीन चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करते वक्त, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट हो या फिर बीपीओ हो, केपीओ हो, एलपीओ हो, इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। ठीक है, अब चाहे वो फूडिंग कंपनी हो, प्रोडक्शन हो या व्हाटएवर कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मेरी वीडियो रहेगी आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कस्टमर एफर्ट स्कोर्स, ठीक है, नेट प्रमोटर स्कोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है वो किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी यूनिट के सेल और इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसको रिपोर्ट बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट होगा तभी हमें आउटपुट और इनपुट मिलेंगे। इनपुट के हिसाब से ही हम आउटपुट डिजायर आउटपुट गेन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट अपर मैनेजमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज अपनी वीडियो के माध्यम से कस्टमर सी सेट, सीईएस या एनपीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं WFM, MIS और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आउट ऑफ WFM या MIS भी हो सकते हैं, इन सब पे भी वीडियोस बनाता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाओ, तो मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, पर थोड़ा सा बिजी होने के कारण से मैं भी आपको सारी वीडियोज एक साथ नहीं पे कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी चीजें डिलीवर हो पाए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपके इनपुट्स हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जब मैं फ्री होने के साथ साथ आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरी ईमेल आईडी मेरी यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोज और भी चेक कर सकते हैं, जो सारी इनपुट्स पे लगभग मैंने बहुत सारी वीडियोज पब्लिश की हैं, जिनको आप देख सकते हैं हमारे वीडियो लिस्ट में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, व्हाई इट इज नीड टू मेजर। दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक कंपोनेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में या किसी भी आउटलेट को मतलब बेहतर बनाने के लिए, उसकी सर्विस एंड प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा बीपीओ इंडस्ट्री में इसका बहुत ही महत्व होता है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे वो फूडिंग कंपनी हो, ठीक है, या सर्विस डिलीवरी कंपनी हो, या फिर बीपीओ हो, कॉल सेंटर हो, इन सब में, ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होते हैं। तो आज आपको चलते हैं लेके और मैं बताता हूं आपको उसके बारे में। दोस्तों, आज मेरी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कि सीसेट, CES कस्टमर एफर्ट स्कोर्स, NPS नेट प्रमोटर स्कोर्स, ये क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आइए मिलते हैं पहले CSAT से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग अबाउट कस्टमर सर्विस या कॉलर एग्जीक्यूटिव। ये मैसेज आपने अक्सर सुना होगा, या फिर जब अभी कभी भी आप मॉल में जाते हैं या कभी पिज्जा हट पे जाते हैं या डोमिनोज पिज्जा पे जाते हैं, किसी भी एक बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वो आपको पूछते भी हैं कि हाउ वुड यू फील अवर सर्विसेज सर। ठीक है, तो आपको एक कभी फीडबैक फॉर्म भी दिया जाता है, फीडबैक फॉर्म आप फिल करके उनको रेट भी करते हैं और अपनी कमेंट्स और इनपुट्स भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, ये होता है CSAT यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, गुणवत्ता प्रोडक्ट हमारा हो, उसके लिए हम हमेशा कस्टमर के बैकग्राउंड में जाके, कस्टमर के ग्राउंड पे जाके हम चेक करते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कैसा फील कर रहा है, क्या उसको हमें और बेहतर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से हम उसको सस्टेन कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपने मैसेज देखा होगा, ठीक है, हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग अबाउट कस्टमर सर्विस कॉल अप एग्जीक्यूटिव। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसमें क्या ज्यादातर आपको रेटिंग करना होता है, क्योंकि रेटिंग के माध्यम से, देखिए आप अभी ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये रेटिंग के माध्यम से ही आपके इनपुट्स को गेन करते हैं, उस पर ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी कमेंट्स और इनपुट्स पे आपकी रेट करेंगे तो उनको बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमेशा ही रेटिंग पे काम किया जाता है। तो सी सेट में आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 इस नंबर में से रेट करना होता है, ठीक है। तो इनका 1 का मतलब होता है आपका कि पुअर सर्विस, ठीक है, तो पुअर सर्विस, ठीक है। ऐसे ही सेम 2 का मतलब फेयर सर्विस, मतलब ठीक है, ठीक है सर्विस कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 3 में गुड सर्विस होता है, और 4 में आपका ग्रेट, एंड 5 में एक्सीलेंट, ठीक है। तो जो एक्सीलेंट देते हैं, यानी कि 4 और 5 रेटिंग जो आपको देते हैं, ठीक है, जो कस्टमर आपके 4 और 5 रेटिंग, वो आपके अनपेड कस्टमर हैं, मतलब कि उनपे आपको सिर्फ सस्टेन करना है, उनसे गेन करना है। आपको गेन कैसे करना है, जैसे कोई भी नई सर्विसेज जब आप लॉन्च करते हैं तो हमेशा आपके गुड कस्टमर्स के साथ जो होते हैं वो गुड कस्टमर ही आपको उसका फीडबैक प्रॉपर दे पाते हैं कि कैसे इस सर्विस को आप और बेहतर बना सकते हैं। तो अनपेड कस्टमर्स हैं आपके दोस्तों, ठीक है, जो 4 और 5 रेटिंग करते हैं। अच्छा, 3 की रेटिंग करने वाले यानी कि वो गुड कस्टमर हैं, मतलब कि वो ओके हैं, ठीक है, वो आपकी सर्विस को ठीक भी बोलते हैं और गलत भी बोलते हैं, मतलब वो न्यूट्रल हैं, उनको कुछ फर्क इस चीज का नहीं होता है ना। अब आपको काम करना होता है पुअर एंड फेयर कस्टमर पे, मतलब उन्होंने आपकी सर्विस को पुअर एंड फेयर क्यों कहा है, मतलब 1 या 2 ही रेट क्यों किया है। तो इसके लिए आपको और भी इनपुट्स लेने होते हैं, उसी कस्टमर पे आपको काम करना है जिससे कि आपकी सर्विस और भी बेहतर बन सके। तो इसकी एक रिपोर्ट जेनरेट की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो रिपोर्ट कैसे जेनरेट करते हैं, ठीक है, उनको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे इस पे बनाते हैं, तो ये सब चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप रहिए अभी, और ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सपोज जैसे कि मैं आपको साथ के साथ बता के चलता हूं। सपोज आपके हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर मैं आपको इनपुट यहाँ पे दे दूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, एक नई विंडो ये बना लेता हूं और आपको सही से समझ में आए इसलिए थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेता हूं। दोस्तों जिन्होंने 1 रेट किया है, ठीक है, ऐसे कस्टमर हैं आपके 7 मान लीजिए, ठीक है, रेट अकाउंट, ठीक है। जिन्होंने 2 रेट किया है, ठीक है, ऐसे हैं आपके मान लो 5 कस्टमर, ठीक है। और जिन्होंने 3 रेट किया है, ठीक है, ऐसे हैं मान लो आपके 3 कस्टमर, एंड 4 जिसने रेट किया है, ठीक है, और 5 जिसने रेट किया है, ठीक है, ये आपके कस्टमर हैं 7 और ये हैं 5, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये देख लीजिए, ये आपके हो गए जो आपका बैड सर्विस आपकी मतलब डिनोट करते हैं, पुअर सर्विस आपको बताते हैं, इस पे आपको काम करना है, ठीक है। ये जो कस्टमर ये जो है आपके 1 और 2 रेट करने वाले, ठीक है दोस्तों। ऐसे 3 इन्होंने रेट किया है, इन्होंने 4 और 5 रेट किया है, ठीक है, ठीक है। तो इनका काउंट देख लीजिए, इनके काउंट के हिसाब से आप, जबकि आप कितने लोगों ने ये किया है, है ना। तो अब एक इनका एक स्कोर बना लेते हैं कि 1 दिया है तो इनका टोटल स्कोर कितना होगा, आप समझ लीजिएगा 7, इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो आप इनका सम कर दीजिए, ऑल प्लस के साथ में इनका सम हो गया 79 इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। और टोटल काउंट इन्होंने कितना दिया है आपको, देखिए 27 लोगों ने 79 स्कोर किया है, यानी कि 79 को अगर हम डिवाइड करेंगे 27 से तो 2.92 जो आपका रेटिंग है, ये लगभग 3% अगर आप परसेंट में इसको बनाएंगे तो लगभग 3% ये आएगा, है ना। तो 3% यानी कि जो आपकी रेटिंग है लगभग 3 है, यानी कि आउट ऑफ 5 में से 3 है, मतलब एवरेज आपका जो सी सेट है वो ठीक है, लेकिन आपको इम्प्रूव ज्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि जब इसको इम्प्रूव करेंगे तभी आपकी ये सर्विस और भी इम्प्रूव हो पाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपके जो 5 और 4 वाले जो रेट वाले कस्टमर होते हैं,
ठीक है, वो आपके अनपेड कस्टमर होते हैं। हमेशा कोई भी नई सर्विस आप लॉन्च करेंगे तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं, वो हमेशा रिकमेंड करेंगे आपकी सर्विसेज को। तो आपको जो काम करना है न्यूट्रल आपके लिए ऑलवेज, मतलब ज्यादातर जो न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रल ही रहते हैं। आपको काम करना है सिर्फ पुअर पे और फेयर पे, यानी कि वन और टू जो रेट कर रहे हैं उनको, उनसे सर्विस का फीडबैक लेके उनको और बेहतर बना सकते हैं। साथ के साथ ऐसा नहीं है कि फोर एंड फाइव जो रेट कर रहा है उसको आप अनहैप्पी कर दें, मतलब कि इसको भी सस्टेन करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपका सी सेट। तो ऑलवेज अगर थ्री आपका परसेंट इसमें आ रहा है या थ्री नंबर सी सेट आ रहा है आपका, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके रखा है, तो इट्स नॉट बैड, ये ठीक है और आपको और अधिक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब चलते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर, इसमें आपकी तीन चीजें होती हैं दोस्तों। अगर आपने कभी बीपीओ इंडस्ट्री में काम किया है, जैसे कि हमारी जो बीपीओ इंडस्ट्री में जो आजकल सर्विसेज हैं, पहले तो बहुत सारी थी, टाटा डोकोमो थी, टाटा इंडिकॉम थी, रिलायंस थी, ठीक है, एयरसेल था और बहुत सारी अन्य भी सर्विस थी। लेकिन अभी के हिसाब से जो सर्विस सस्टेन कर पाई है उसमें एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। आजकल वोडाफोन और आइडिया एक ही हो मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ही आपके लिए चूज करना है, इनमें से ही आप चूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में ही ये नेट प्रमोटर स्कोर की सर्विसेज की रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसका लॉजिक समझा रहा हूँ। रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे रिपोर्ट इसकी जनरेट करते हैं, ठीक है। पर लॉजिक अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एक होता है इसमें नेट प्रमोटर स्कोर, ठीक है, कि कितने प्रमोट करने वाले हमारे कस्टमर्स हैं, वो जिनको हमें चेक करना है, उनसे सर्विस की क्वालिटी एंड को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें से जो नेट एंड नेट प्रमोटर स्कोर में जो कैलकुलेशन की जाती है वो 1 to 10 नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और 1 to 10 मतलब कि 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें डिट्रैक्टर को माना जाता है। ये डिट्रैक्टर होते हैं हमारे। 7 and 8 ये पैसिव होते हैं, पैसिव स्कोर्स होते हैं। 9 और 10 जिसने किया है आपको, वो आपके प्रमोटर्स हैं, वो सर्विस को आपको हमेशा इंक्रीज करेंगे, बेहतर क्वांटिटी आपको कस्टमर्स की वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जब भी किसी कस्टमर को मतलब जो रेट किया है 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनकी कैलकुलेशन की जाती है, उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एनपीएस रिपोर्ट, ठीक है, जिसको नेट प्रमोटर स्कोर रिपोर्ट कहते हैं। इसी के आधार पर सर्विस को और बेटर बनाने के लिए कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि आपने कभी अगर इन बीपीओ इंडस्ट्री में कभी भी वोडाफोन या इन सब में काम किया हो या पहले कभी किया था, तो पहले का थोड़ा सा रूप इन्होंने रूपांतरित करके थोड़ा और बेटर बनाया है। पहले सिर्फ सी सेट होता था, जिसमें कि हमारे कस्टमर ने क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कस्टमर आप हमारी सर्विस से हैप्पी हैं कि नॉट हैप्पी हैं, ठीक है। तो जो पहले पूछा जाता था वो हैप्पी है यस या नॉट हैप्पी तो नो। तो जो यस होते थे, यस को डिवाइड, यस का कि जितना भी काउंट कस्टमर ने आपको दिया है उस यस के काउंट को हम डिवाइड कर देते थे यस प्लस नो के काउंट से, तो सी सेट निकल जाता था। लेकिन अब ये इनका और बेहतर बना दिया है ये इंडस्ट्री ने, ये सर्विसेज ने, तो इसमें एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर इन्होंने और बाइफरकेट करके 1 to 10 से रेटिंग कस्टमर से फीडबैक के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स, 1 to 6 का जो रेटिंग है वो डिट्रैक्टर है, ठीक है, और 7, 8 पैसिव है और प्रमोटर है 9 and 10। तो सपोज आप कह लीजिए कि जो आपके जो कस्टमर्स हैं, मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपके 100 अपने मैसेज को सूट किया है ना, मैं एक कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपको दे देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डिट्रैक्ट, पैसिव एंड प्रोमोटर, ठीक है, इससे हम एनपीएस की गणना करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि डिट्रैक्टर, सपोज आपने जो स्कोर्स हैं और कस्टमर हैं, ठीक है,
स्कोर है आपके जो डिट्रैक्टर जिन लोगों ने दिया है वो आपके डिट्रैक्टर हैं, किसी ने 6 किया है, किसी ने 5 किया है, किसी ने कुछ किया है, ठीक है। तो 1 to 6 में से आप मान लीजिए थोड़ा सा और वाइफर केट इसको करना पड़ेगा। मैं म्यूचुअली आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर 1 to 6 में रेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी मैं अभी ठीक है आप एक मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। देखिएगा डिट्रैक्टर है तो ये वन से स्टार्ट करेंगे, इसमें यहाँ पे हम एक प्लस कर देते हैं, डिट्रैक्टर है तो ये 6 तक स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। बन जो दिया है दो लोगों ने दिया है, ये 5 लोगों ने दिया, 6 लोगों ने दिया है, 3 ने दिया है, 5 ने दिया है, ठीक है। इनका एक सम कर लेते हैं, ठीक है। 35 लोगों ने डिट्रैक्टर दिया, ये है डिट्रैक्टर कस्टमर, ठीक है। सेम ऐसे ही हम पैसिव का बना देंगे, पैसिव पैसिव कस्टमर्स हैं ये। और फ्रेंड्स आपको पता है कि पैसिव में सिर्फ 7, 6, 7 और 8 होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो 7 और 8 दिया है, मान लीजिए 11 कस्टमर ने दिया है और 8 दिया है आपका, ठीक है। अब आपका बचा प्रमोटर, तो सेम प्रमोटर पे हम एक बना देते हैं, प्रमोटर और प्रमोटर का सुना, ठीक है। प्रमोटर किसका होता है 9 and 10, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना ये हो गया, आप देख लीजिए, दिस प्लस दिस, कोशिश करते हैं हम 100 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 12 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपने आपको जो है 100 कस्टमर ने, ठीक है, रेट किया 100 कस्टमर, ठीक है। अब जो रेट तो किया है 100 कस्टमर ने, आपने मैसेज शूट कराए और उसमें से 100 कस्टमर को मैसेज बहुत सारी कस्टमर को आपने किए फीडबैक के, लेकिन उसमें से 100 कस्टमर का इन्होंने एक कैलकुलेशन किया है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनका हमें 100 कस्टमर का हमें स्कोर भी लेना पड़ेगा, है ना। साथ के साथ मैं आपको बताते भी चलता हूँ। देखिए जैसे एक जो स्कोर दिया था वो 2 कस्टमर ने दिया था, तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके स्कोर के लिए, ठीक है। नाइन्टी फोर हो गए, सेम हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 कस्टमर ने 12 स्कोर किया है, और 12 कस्टमर ने 7 स्कोर किया है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे इसका स्कोर ले लेते हैं। सेम हम यहाँ पे करते हैं, इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं, तो ये स्कोर यहाँ पे हो जाएंगे, इसको भी हम सम कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमने ये स्कोर, ठीक है, यानी कि एक कस्टमर ने डिटेक्टर दिया, 2 कस्टमर ने डिटेक्टर दिया, डिटेक्टर होता है 1, ठीक है। दोबारा आपको बता देता हूँ,
ये देखिए ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर अगर देगा तो 1 2 3 4 5 6 में से ही दे सकता है, पैसिव जो देगा तो 7 और 8 से दे सकता है, प्रमोटर जो देगा तो 9 और 10 से दे सकता है, ठीक है। तो 9 10 को हम प्रमोटर, तो इसमें सेम यहाँ पे 1 2 6 है तो ये हमारे डिट्रैक्टर है, ठीक है, और ये हमारी पैसिव सर्विसेज है और ये हमारे प्रमोटर स्कोर्स है, ठीक है। ये हमारे हैप्पी कस्टमर हैं, अनपेड कस्टमर हैं, ये हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और हमारे लिए अच्छा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई नई सर्विस लॉन्च होगी तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हमें इसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ाना है ताकि हम अपनी सर्विस को बेटर बना सकें। तो दोस्तों ये हमने टोटल कस्टमर का काउंट किया है, ये देखिए यहाँ पे कस्टमर का काउंट है, यहाँ पे कस्टमर का काउंट है, यहाँ पे कस्टमर का काउंट है, सेम इसी तरह से हम स्कोर का काउंट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे स्कोर्स जो है वो ये स्कोर है, टोटल ये स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि हमें कितने लोगों ने किस तरह से हमें स्कोर किया है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये है आपका, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, NPS है ना, नेट प्रमोटर स्कोर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, ठीक है, और इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल कस्टमर से, टोटल रिस्पॉन्स, कितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स किया, मतलब प्रमोटर कितने हैं हमारे, 3 2 9, ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर दिया डिट्रैक्टर को 94, ठीक है, ये हो गया माइनस, प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर। अब हम डिवाइड कर देंगे टोटल रिस्पॉन्स, ठीक है, टोटल जो हमारा कस्टमर का जो काउंट है, तो दिस डिवाइडेड बाय, हमारा काउंट तो 100 ही था, तो 2.35 ये आपका टोटल हुआ, 2.35 आपका NPS आया, ठीक है, जो कि कम है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। दोस्तों ये एक एग्जांपल था जिसमें मैंने कस्टमर की संख्या बहुत ज्यादा ली है, ठीक है, आप चाहें तो इस संख्या को अगर कम करके देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर दिखेगा, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर कस्टमर की संख्या, जरूरी नहीं है कि 100 पे ही है, लेकिन मैंने 100 ले रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको, अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल हमें जो कस्टमर ने जो किया है, तो ये हमें मान लीजिए, मैं फिर से आपको रिवाइज करके बता देता हूँ, 0 0 0, ये हमारा 2 कस्टमर ने किया है, 3 ने किया है, और ये हमारा फिर 2 ने किया, ठीक है, और 7 और 8 जो हमारा 12 19 ने किया है, चलिए मान लीजिए 12 19 कर देते हैं, ठीक है, और जो 11 और 23 जो हमें रेट किया है, गुड कस्टमर्स हैं और हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, तो हमें अच्छे कस्टमर हमें मिले हैं, ठीक है। तो टोटल जो हमारे हैं 9 जो इन्होंने किया है, उनकी संख्या है हमारी मान लीजिए 32, और 10 जिन्होंने किया है वो हमारे 27, ठीक है, तो टोटल हमारे 97 कस्टमर हो गया, ठीक है, 97। तो इन्होंने जो हमें स्कोर किया है, उस स्कोर के आधार पे हमारी कैलकुलेशन आप चेक कीजिएगा, ठीक है, 829 और टोटल कस्टमर हमारे 97 हो गए, ठीक है, जो कि अभी भी हमने ज्यादा लिए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, ठीक है। तो प्रमोटर क्या है हमारा, प्रमोटर कितना है, टोटल हमारे प्रमोटर है ये 558, हम यहां से ही रेफरेंस ले लेते हैं, प्रमोटर माइनस, प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर कितने 35, ठीक है, और कस्टमर हमारे टोटल हो गए 97, ठीक है। तो 97 कस्टमर ने हमें 5.3 हमें NPS दिया है, यानी कि पहले से इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट दोस्तों एटलीस्ट 20 के आसपास तो होना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है आपका
आपकी सर्विस और कंपनी पॉलिसी और उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि कितना स्पोर्ट इनको लिया गया है। लेकिन दोस्तों जब ये स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी में तो बहुत कम होता है, लोग नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव होने लगता है तो ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी सर्विस को बेटर करते हैं तो स्पोर्ट्स बढ़ते हैं और इसी से हमारी सर्विस और बेटर होती है जिससे पूरी कंपनी की ग्रोथ होती है। तो ये लॉजिक्स हैं, मैंने रिपोर्ट बनानी आपको नहीं सिखाई है, लॉजिक्स बता रहा हूँ कि किस लॉजिक पे, यानी कि नेट प्रमोटर स्कोर यानी कि NPS को कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रोमोटर माइनस डिटेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोमोटर माइनस डिटेक्टर, मैंने यहां भी लिखा है प्रोमोटर माइनस डिटेक्टर। ठीक है, 55 प्रोमोटर आए, ठीक है डिटेक्टर आए है ना, या तो आप स्कोर्स पे आधारित कर सकते हैं या फिर आप कस्टमर्स पे आधारित कर सकते हैं। एक बार मैं कस्टमर पे आधारित भी आपको बता देता हूँ, ठीक है कि कितने कस्टमर है ना, तो आप और बेहतर कर पाएंगे। ये स्कोर पे हमने बनाया है, अब हम कस्टमर पे बनाते हैं। ये प्रमोटर है कस्टमर माइनस डिटेक्टर कस्टमर है हमारे 7, ठीक है, और फिर हमने टोटल से हमें डिवाइड करना है, यानी कि प्रोमोटर माइनस डिटेक्टर दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल कस्टमर। टोटल कस्टमर कितने हमारे, दिस कॉमा दिस कॉमा, ठीक है, तो लगभग उतना ही परसेंट ये आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 54%, ठीक है, नंबर्स में देखेंगे तो 0.53, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये कैलकुलेट किया है स्कोर्स पे किया है, तो उस स्कोर्स पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इससे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हमने ये स्कोर पे डिवाइड किया था, ये स्कोर कैलकुलेशन है, नेट स्कोर कैलकुलेशन, और ये है हमारी काउंट कैलकुलेशन यानी कि कस्टमर कैलकुलेशन। अभी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने गलत रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। ये हमने स्कोर पे कैलकुलेशन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्कोर्स हैं, ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारा डिटेक्टर है, प्रमोटर माइनस डिटेक्टर, डिटेक्टर का स्कोर है, और हमने टोटल से डिवाइड किया था, काउंट से डिवाइड किया था, इसलिए ये गलत आ रहा था। अभी हम इसको स्कोर से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए जब स्कोर से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.63, यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज हम इसकी बना लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज के साइन पे क्लिक करें तो 63% आ रहा है। और जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कस्टमर के बिहाफ पे, तो कस्टमर 7 कस्टमर ने डिटेक्टर दिया है और 59 ने प्रमोटर दिया है, तो प्रमोटर हमारे माइनस प्रमोटर माइनस डिटेक्टर यानी कि 59 से 7 अगर कम करें तो 52, और टोटल हमारे जो कस्टमर है उनसे हम डिवाइड करेंगे 59, 31 और 7, तो ये हमारा स्कोर आ रहा है। आप देख रहे हैं इसको भी हम परसेंटेज में बनाते हैं, ठीक है 54%। तो दोस्तों एक्चुअल स्कोर जो होता है वो कस्टमर पे ही निकलता है, ठीक है, एक्चुअल NPS जो है वो कस्टमर पे ही निकलेगा, कस्टमर काउंट पे, क्योंकि सम पे हम निकालेंगे तो ये थोड़ा सा वेरियंस इसमें आता है, ठीक है। तो ये जो स्कोर है स्कोर के सम पे हम नहीं निकालते हैं, कस्टमर के काउंट पे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने आपको वैसे दोनों कैलकुलेशन करके बताया ताकि बेटर क्लियर हो आपको, तो हमेशा कस्टमर के काउंट पे ही आप निकालेंगे। तो इसका तरीका होता है प्रमोटर काउंट, मतलब टोटल काउंट में ही बात कर रहा हूं मैं, प्रमोटर माइनस डिटेक्टर डिवाइड बाय टोटल काउंट, यानी कि जिसने प्रमोटर दिया है, पैसिव दिया है या डिटेक्टर दिया है। तो दोस्तों ये था NPS का कैलकुलेशन। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं CES, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, ये अक्सर जो कंपनी के सर्वे होते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। कोई बेटर सर्विस होती है, फूडिंग कंपनी होती है, उस तरह से भी आपको जो फीडबैक फॉर्म दिया जाता है तब आपको ये सब फॉर्म दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये है CES कस्टमर एफर्ट स्कोर्स, ठीक है। तो कस्टमर एफर्ट स्कोर यानी कि स्ट्रांगली ये 1 to 7 तक रेट किया जाता है, ठीक है, 1 to 7 तक रेट किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जो 1 होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री मतलब
थ्री समवट डिसएग्री, मतलब कुछ डिसएग्री, जो फोर रेट करता है, मैं पे फोर नोट कर देता हूँ, वो अनडिसाइडेड, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है कि ओके भी है और नॉट ओके भी है, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा, मैं रेट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो फाइव होते हैं वो आपके सम बाट, कुछ ठीक कुछ एग्री है आपके पॉइंट पे, सिक्स बिल्कुल एग्री है और ये अच्छी तरह से एग्री है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो 1 to 7 में CES को रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है, अक्सर आपने जब किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी का सर्वे होता है, और सर्वे में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कंपनी के पोर्टल और उसके जनरेशन पे, ठीक है। उसमें से आप जो फीडबैक देते हैं, जो फिल करते हैं, ठीक है, इन 7 पॉइंट्स पे, ये 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं, तो मैंने आपको 7 पे बताया है, ठीक है। तो इन पे जो एग्री किया जाता है, फिर इनकी कैलकुलेशन की जाती है, तो उससे उसकी पूरी कंपनी का जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है या कंपनी का जो सर्वे है उस पे इसको कैलकुलेशन किया जाता है, ताकि अपनी बेटर सर्विस को और बेटर बना सकते कोई भी कंपनी, ठीक है। अब इसका स्कोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो दोस्तों टोटल जो सम होता है ऑफ रिस्पॉन्सेस का, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर और स्कोरर जिन्होंने स्कोर किया है। तो जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा वीडियो लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्मॉल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। तो मान लीजिए 71 स्कोर किया, 71 स्कोर किया और टोटल स्पॉन्सर जो थे 12 थे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे 71 को, तो फिर ये होता है हमारा 5.9, जो कि एक ग्रेट वैल्यू है, है ना, 5.9 एक ग्रेट वैल्यू है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम CES को स्कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई नई नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तब आपको इसके बारे में कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। बाकी आम नागरिक को भी ये पता होता है, जब भी आप ओला की सर्विस से जाते हैं, रैपिडो से जाते हैं, जब भी आप किसी डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हैं, या आप पिज्जा हट जाते हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उस तरह की सर्विस से आपको फीडबैक फिल करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे आपको फिल करके ये सर्विस लिया जाता है, सर्विस से ही वो अपनी सर्विसेज को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा आज का वीडियो, जो कि CSAT, ठीक है, CSAT, NPS और CES पे था, ठीक है। अक्सर आपने देखा ही होगा, जब कभी अभी ओला से आप सर्विस करते हैं, उबर से करते हैं, ठीक है, तो उसी समय आपको मैसेजेस आते हैं कि आपको हमारे हाउ वुड यू एक्सपीरियंस योर जर्नी विद अ बस ड्राइवर, ठीक है। फिर उसमें वो क्वेश्चंस देते हैं आपको कि बिहेवियर कैसा था, अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर उन्होंने आपको हेलमेट दिया कि नहीं दिया, उनका बिहेवियर कैसा था, ठीक है, वो नीट एंड क्लीन था कि नहीं था, आपका ओला सर्विस नीट एंड क्लीन था कि नहीं था, बिहेवियर पोलाइट था कि नहीं था, इस तरह की सर्विसेज आती हैं, वो यही सर्वे होता है उसी के आधार पर CES और ये नेट प्रमोटर स्कोर से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा लॉजिकल वीडियो NPS, CES और CSAT पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स था, वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसमें रिपोर्ट बनाना नहीं दिखाया, अभी आपकी और बेटर क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको रिपोर्ट बना के दिखाता हूँ इस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक करें, शेयर करें और बताएं हमें, अगर कुछ इनपुट्स हैं तो आप जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं, हमें बराबर लिखते रहिएगा, हम अपने अकॉर्डिंग आपको वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।